Hello students, let's see this question. The question says for a given exothermic reaction, Kp and Kp dash are equilibrium constants at temperature T1 and T2 respectively. मतलब T1 पे जो equilibrium आपका equilibrium constant है in terms of partial pressure that is Kp and T2 पर क्या है Kp dash है. ठीक है. Assuming that the heat of the reaction is constant. मतलब जो भी हीट इसमें रिलीज हो रही है वो कांस्टेंट है, चाहे आप T1 पे ले लो चाहे T2 पे ले लो, बट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है याद रखना. यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, प्लस ही कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक है. ये कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी. अज्यूमिंग दैट द हीट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2, इट इज रेडिली ऑब्जर्व दैट. इसमें से क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या रिलेशन होगा केपी और केपी डैश के बीच में. अब देखो यहाँ से हम दो ऑप्शंस रूल आउट कर सकते हैं. पहला ऑप्शन तो ये, पहली चीज तो ये कि ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं और आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. ठीक है. सो अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा डिफरेंट आएगी, दैट कैन नॉट बी इक्वल. तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है. ठीक है. और यहाँ से आपका केपी और केपी डैश जो लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है. तो यहाँ पे दो रिलेशन बचते हैं, या तो टेम्परेचर 1 और 2 के बीच में रिलेशन होगा कम ज्यादा का, तो उसी अकॉर्डिंग केपी और केपी डैश के बीच में आ जाएगा, तो हमें वही फाइंड आउट करना है. बट ये याद रखना है कि डेल्टा एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी इस टेम्परेचर रेंज में T1 और T2 के बीच में, और ये नेगेटिव भी होगी क्योंकि रिएक्शन कैसा, एक्सोथर्मिक. एंड व्हाट वी नो दैट लॉग लॉग केपी अपॉन केपी डैश क्या होता है, आपका डेल्टा एच अपॉन 2.303 R होता है, एंड इट इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ये रिलेशनशिप सबको पता होगा, ये सब जानते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में. सो इस रिलेशनशिप में जो आप क्या जानते हो कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब आपका राइट हैंड साइड वाला टर्म पूरा का पूरा नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है. तो ये नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आना चाहिए तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. ये ब्रैकेट वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए. अब ब्रैकेट वाला टर्म पॉजिटिव कैसे होगा, अगर देखो अगर मैं T2 को बोल दूं कि ग्रेटर देन T1 है तो T2 की वैल्यू ज्यादा आएगी. सो वन अपॉन एक, अगर फ्रैक्शन के अंदर वन अपॉन एक बिगर टर्म लिखा रहा है तो पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, स्मॉलर आती है. और वन अपॉन T1 लिखा है, अगर T1 की वैल्यू कम है तो वन अपॉन T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी. ठीक है. देखो ऐसे है, 1/5 कर दो और 1/2 कर दो. सो 1/5 की वैल्यू क्या आएगी, 0.2, और 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5. मतलब जब भी आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है तो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है. यानी कि 1/T2 की वैल्यू छोटी होगी, 1/T1 की वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ब्रैकेट वाला टर्म कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा. यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू जो नेगेटिव आएगी वो नेगेटिव ही रहेगी राइट हैंड साइड में. राइट. तो पहला चीज तो हमें ये पता चल गई कि आपको ये वाला टर्म क्या रखना है, पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव कब आएगा, जब T2 क्या होगा, ग्रेटर देन T1 होगा. ठीक है, समझ में आया, T2 ग्रेटर देन T1 होगा. अच्छा, अब ये तो चीज समझ में आ गई. अब लॉग केपी अपॉन केपी डैश, ये राइट हैंड साइड पूरा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है. अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लॉग केपी माइनस लॉग केपी डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव. अब देखो ये नेगेटिव कब होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैच कब करेगी, नेगेटिव के टर्म्स में कब करेगी, जब आपका केपी की वैल्यू, यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से यही तो पता चलेगा कि केपी की वैल्यू आपकी लेस होगी किससे, केपी डैश से. राइट. केपी की वैल्यू आपकी लेस होगी केपी डैश से. अगर केपी की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है, तो आपका छोटी वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगी. क्लियर. सो यहाँ से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा. और ये आप इसको भी देख के बता सकते हो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आती है, तो अगर T2 ज्यादा है तो केपी डैश की वैल्यू ज्यादा आएगी. यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.